Hello friends, I am Shivani. Welcome to my channel Shine with me. So, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी अच्छे होंगे. और आज मैं बनाने वाली हूँ केक. अब केक क्यों बनाने वाली हूँ? केक इसलिए बनाने वाली हूँ क्योंकि कल है हमारी 6 month एनिवर्सरी. मैंने सोचा था कि मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी, बट क्योंकि अभी वो घर पे ही थे, अभी अभी गए हैं बाहर, तो इतनी जल्दी तो कुछ कर नहीं सकते. और केक मैं उन्हीं से मंगाने वाली थी, बट उन्हें उनसे मंगाऊंगी तो सरप्राइज तो कुछ रह जाएगा नहीं, तो इसलिए मैं केक घर पे ही बेक करूंगी. और वैसे मुझे केक बेक करना आता नहीं है. आता तो है क्योंकि देखा है, बट किया नहीं है कभी. तो ट्राई करते हैं. अगर मेरा केक अच्छा बन जाएगा तो आप सब लोग भी मेरी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं. और अगर मेरा केक अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं, मुझे देख के कुछ सीख लेना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. और हाँ, मैं आपको बता दूँ, purple.com पे बहुत ज़्यादा सेल चल रही है, मतलब 50-80% उसमें आपको सेल चल रही है. और आप एक बार purple.com पे जो उसकी साइट है उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एक्चुअली ना, मैं आज बहुत अलोन अलोन फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ तो घर पे है नहीं, बट चलो कोई नहीं, काम पे जान दूंगी तो ऐसा नहीं फील होगा. सो अब हम चलते हैं केक बनाने की तरफ. और हाँ, मैं बताने वाली थी कि वो मिंत्रा पे 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो है सेल चलेगी. सो उसे भी एक बार आप चेकआउट कर लेना. और आपने मोमोज चैलेंज वाली वीडियो देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना. मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई नो बहुत ज्यादा हंसी मजाक की है, बट इतना भी नहीं है यार, हमने बहुत फन किया. व्लॉग बनाया था मैंने मोमोज चैलेंज पे. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. सो चलते हैं केक बनाने की तरफ, लेट्स गो. तो गाइज, हमें केक बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो के बिस्किट. केक की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बिस्किट ले रहे हैं. और शुगर चाहिए, वो भी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कि कितना आपको शुगर चाहिए. और थोड़ा सा मिल्क चाहिए हमें इसका पेस्ट बनाने के लिए. और अभी हमें केक भी बिस्किट को शुगर को अभी हमें मिक्सी के जार में डाल के ब्लेंड कर लेना है अच्छे से. अब हमें बिस्किट को डालना है जार में. मैं यहाँ पे सारे ओरियो के बिस्किट जार में डाल दूँगी एंड देन उसमें शुगर ऐड करूँगी. तो आप शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें. जैसे कि यहाँ पे मैंने 15 से 16 बिस्किट लिए हैं ओरियो के, तो मैं इसमें 3-3.5 स्पून शुगर डाल रही हूँ. अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आप शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. एंड देन अब हम इसे बंद करके इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेंगे. इसे अच्छे से बारीक, बहुत फाइनली इसे पीस लेंगे. देखिए कितना अच्छा इसका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है. बहुत ही फाइन होना चाहिए इसका जो मिक्सचर है. देखिए लाइक दिस. अब हम इसके मिक्सचर को एक बाउल में तो यहाँ पे हम केक का बैटर रेडी करने के लिए जो हमारा शुगर का और बिस्किट का जो मिक्सचर है उसमें हम 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि आप 1/2 कप मिल्क ही ऐड करें, डिपेंड करता है आपके बिस्किट की क्वांटिटी पे कि आपका जो मिक्सचर है वो उसकी क्वांटिटी क्या है. और जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे ना, तो इसका जो टेक्सचर है वो ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए. सो बहुत ही एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इसकी. बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाना है लाइक दिस. ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी. और इसे आप अच्छे से चला लें, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए. बहुत अच्छे से इसे चला के स्मूथ सा पेस्ट बना लें. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून घी. आप इसमें ऑयल, बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं. मेरे पास घी है तो मैं घी ऐड कर रही हूँ इसमें. और घी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. एंड देन हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे. तो यहाँ पे हमारे केक के बैटर को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं. हम इसमें ऐड कर रहे हैं इनो. तो हमें इनो का पूरा पैकेट नहीं डालना, सिर्फ आधा पैकेट ही डालेंगे हम इसमें. और बहुत ही हल्के हाथों से स्लोली स्लोली इसे चलाएंगे.
बहुत ही हल्के हाथों से आपको फेंटना है ऐसे बहुत धीरे धीरे, और लगभग 1 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि इन्हों अपना काम करके दिखाए और केक का जो बैटर है वो फूल के अच्छे से रेडी हो जाए। तो हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे। इसमें कोई गुठलियाँ हो तो आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर दें, बहुत ही स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो गाइज ये बैटर जब देख रहे हैं ना अब फूल चुका है अच्छे से, यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है। अब आप कोई भी केक का टिन ले लें, केक का टिन नहीं है तो माइक्रोवेव सेफ कोई भी बाउल ले लें, मैंने ये बाउल ले लिया है। और इसमें हम अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे जिससे कि केक हमारा जो है वह बिना चिपके बाहर निकल जाए। तो मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल बटर जो चाहें किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसे चिकना करने के लिए। तो मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी केक, आप चाहें तो कुकर में नमक डाल के स्टैंड रख के किसी भी बर्तन में उसे बना सकते हैं, पर माइक्रोवेव में बनाऊंगी इसलिए मैंने माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया है। अब हम अपने केक के बैटर को इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसे प्री हीट होने के लिए रखा था। अब जब ये प्री हीट अच्छे से हो जाएगा तब हम इसमें केक का बैटर रखेंगे। ये देखिए केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव 2 मिनट के लिए जो हमने प्री हीट किया था वो हो चुका है, और अब हमने अपना केक का बैटर इसमें रख दिया है। 200 डिग्री सेल्सियस पर ही हम इसे 5 मिनट तक बेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारा केक बेक हो चुका है अच्छे से या नहीं, हम इसे चेक कर लेंगे निकाल के। तो हम इसे नाइफ की टिप की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे। ये देखो केक के अंदर से जब ये टिप बाहर आ रही है तो बिल्कुल क्लीन आ रही है, बिल्कुल भी केक इसमें चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। हम चारों तरफ से क्लीन करके निकाल लेंगे। गाइज मैं आपको यहाँ पे केक निकाल के दिखाने वाली हूँ, मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर हम केक को निकालेंगे प्लेट में। वाह, तो देखिए केक कितने अच्छे से तरीके से निकल गया है और कितना अच्छा लग रहा है। केक काफ़ी स्पॉन्जी बना हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है। कितनी खुशी होती है जब हम फर्स्ट टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ट्राई करें और वो अच्छा बन जाए, आई एम टू हैप्पी। एंड अब मेरा केक सरप्राइज के लिए रेडी है। यहाँ पे बाउल को देखिए कितना क्लीन है, बिल्कुल भी केक उसमें चिपका नहीं है। हमारा ये एक्सपेरिमेंट रहा सक्सेसफुल और हमारा केक बहुत अच्छा बना है। मैंने इसे चोको सिरप से इसके ऊपर टॉपिंग कर दिया है जिससे ये और भी अच्छा दिख रहा है। मैंने साइड में से टेस्ट भी किया, इसका टेस्ट ना ब्राउनी और फ़ज़ जैसा रहा। जिन लोगों ने ब्राउनी और फ़ज़ खाया होगा तो उन्हें पता होगा कि इसका टेस्ट कैसा होगा, और काफ़ी टेस्टी बना है। और मेरा सरप्राइज़ केक रेडी है, और जिसे ये रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए, शेयर किए और सब्सक्राइब किए। थैंक यू।